अभी आपने देखा कि जो भी हमारा स्क्वायर टॉपिक है उस टॉपिक में हमने जो पढ़ा है कि यदि कोई डिजिट 5 से एंड करता हो तो उसे स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यदि कोई नियर बाय 50 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, नियर बाय 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई भी डिजिट रिपीट करता है, रिपीट मतलब बार बार वही डिजिट आता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि 11 का क्या स्क्वायर होगा, यदि 11 रिपीट करता हो, 22 रिपीट करता हो तो उसका स्क्वायर क्या होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट 3 यदि रिपीट करता है, 4 रिपीट करता है, 5 रिपीट करता है, 6 करता है, 7 करता है, 8 करता है, 9 करता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। हमने आपको पहले ही बोला था कि हम जो रिपीट पढ़ाएंगे 1 to 9 तक पढ़ाएंगे, क्लियर। चलिए आपने 1 और 2 पढ़ लिए हैं, थर्ड देखिए। चाहे 3 कितना भी क्यों ना हो, चाहे 3 कितना भी क्यों ना हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए हम आपको एक टेक्निक देते हैं, बट ध्यान रखिएगा इस टेक्निक को समझने के से ज़्यादा आप कोई काम न करिएगा और कोई वीडियो माने कोई सवाल मत कीजिएगा। अभी सिर्फ ये देखिए कि इसमें क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, ये मत पूछिएगा, उसको लास्ट में हम जरूर आपको समझा देंगे। यदि चाहे 3 कितना भी क्यों ना हो उसके लिए एक टेक्निक लगाइए 1089। क्या टेक्निक होगा 1089? 1089 कहाँ से आया, क्यों आया, हमने ऐसा क्यों लिखा, अभी इसे के बारे में ना सोचे तो अच्छा है। आप देखिए इसको क्या करना है और कैसे करना है। 1 को आप रिपीट कीजिए, 1 को क्या करना है आपको, आर्मिस रिपीट। आर्मिस क्या होता है, रिपीट। रिपीट अब ये सवाल उठता है कि रिपीट करें तो कितना करें, तो रिपीट उतना कीजिए जितने टाइम्स 3 है उससे एक कम। क्या बोला मैंने, जितने टाइम्स 3 है उससे एक कम। तो यहां कितने टाइम्स 3 है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है तो रिपीट करेंगे कितना, एक कम यानी 3 टाइम्स। अगर ये होता 5 टाइम्स तो रिपीट कितना होता, 4 टाइम्स। यदि होता ये 2 टाइम्स तो रिपीट कितना होता, 1 टाइम, क्लियर। तो यहां पे 1 को रिपीट किया तो यहां पे 1 आएगा मेरा 111, क्योंकि 4 टाइम्स 3 है तो 1 को रिपीट करेंगे एक टाइम कम, नहीं जहां जितने क्वेश्चन में है उसे एक कम करेंगे तो 111 हो गया। 0 को एज इट इज सिंगल लिखेंगे, एज इट इज सिंगल, सिंगल मतलब एक बार, चलिए हमने एक बार लिख दिया सिंगल। अब यहां आइए अगेन 8 को हम रिपीट करेंगे और रिपीट उतना करेंगे जितने टाइम्स 3 है उससे एक कम, सेम फॉलो करेंगे। तो अब एक 4 टाइम्स 3 है तो 8 को कितने टाइम्स लिख रहे हैं, 3 टाइम्स, हमने देखा। इसके बाद 9 को एज इट इज लिखेंगे यानी सिंगल लिखेंगे, सिंगल का मतलब एक बार, तो हमारा आंसर होगा 1110889। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर गौर से सुनिए। 1089 को करना क्या है, कैसे करना है ये सुनिए। 1 जो यहां लिखा हुआ है उसको आप रिपीट, आर्मिस रिपीट, रिपीट उतना कीजिए जितने टाइम्स 3 है उससे एक कम, जितने टाइम्स 3 है उससे एक कम। तो कितने टाइम्स 3 है, 4 टाइम्स, रिपीट कितना करना है, 3 टाइम्स, एक कम हो गया। 0 के सामने लिखा एस, एस मतलब सिंगल, एस मतलब सिंगल, एज इट इज एक बार लिख दीजिए, लिख दिया। अगेन 8 के सामने हमने आर लिखा, आर मिस रिपीट यानी जितने टाइम्स 3 है उससे एक कम रिपीट किया, तो 4 टाइम्स है तो 3 टाइम्स हमने रिपीट कर दिया। 9 को एज इट इज सिंगल को दिया, तो आंसर क्या है, 1110889। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं कुछ सवाल पूछता हूं, आप इसका जवाब दें और जवाब दें सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में। कितने समझ में जा गए, 2 सेकंड में यदि जवाब देते हैं तो एक क्वेश्चन एजीबी में सॉल्व हो जाएगा। चलिए बताइए 5 times 3, क्वेश्चन क्या है, 5 times 3, यहां देख रहे हैं 5 times 3, तो इसका स्क्वायर क्या होगा। मैंने क्या बोला, 1 को रिपीट करना है एक कम, तो 5 है तो 4 टाइम्स 1 होगा,
क्लियर। जीरो को सिंगल लिखेंगे, अगेन एट को रिपीट करेंगे कितने टाइम्स, फोर टाइम्स, और इसको करेंगे सिंगल। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, फोर टाइम्स वन जीरो, फोर टाइम्स एट और नाइन। चलिए फर्स्ट जवाब दीजिएगा, एक ट्रिपल था, थ्री टाइम्स थ्री तो क्या होगा, रिपीट करेंगे एक कम, तीन डबल वन जीरो डबल एट नाइन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए फटाफट, 33 का स्क्वायर क्या होगा, ये टू टाइम्स से रिपीट होगा वन जीरो एट नाइन, यानी 33 का स्क्वायर क्या होगा वन जीरो एट नाइन। समझ में आया, 1089 यहां कोई टेक्निक नहीं है, नहीं कोई जादू है, यह है क्या 33 का स्क्वायर। चलिए 33 का स्क्वायर में आप घर पे जाकर के और भी बहुत प्रॉब्लम है उसे कीजिए। इसके बाद हम चलते हैं 4, 5। तो 4, 5 के लिए हम क्या करेंगे ये देखिए, यदि कोई क्वेश्चन आपको 4, 4 रिपीट दे दिया या 5, 5 दे दिया, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए 4 कॉमा निकाल के ये आपको टेक्निक हम जो बताए हैं उसको यूज कीजिए। ऐसा कर सकते हैं 5 का स्क्वायर, ऐसा हम कर सकते हैं कॉमन बेनी लेकर के, लेकिन यहाँ पे अभी आप टाइम अधिक लगेगा। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब ये मल्टीप्लाई करने में जो टाइम अधिक लगेगा वो हम जब मल्टीप्लाई टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ कम कर देंगे। अभी इसको हम यहीं पर छोड़ेंगे। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, 3 के बाद 5 के बाद 6। चलिए चाहे 6 कितना भी क्यों ना हो तो उसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कितना भी क्यों ना हो तो उसके लिए एक ट्रिक लगाइए। 4, 3, 5, 6 क्या ट्रिक होगा, 4, 3, 5, 6। अब ये 4, 3, 5, 6 क्या है इसको देखिए, सेम वही कीजिए, इसको रिपीट कीजिए कितना, जितने टाइम्स 6 है उससे एक कम, इसको सिंगल लिखिए, इसको अगेन रिपीट कीजिए जितने टाइम्स 3 है उससे कम, और इसको सिंगल कीजिए, यानी RS RS, R मतलब रिपीट, S मतलब सिंगल, कितना रिपीट करना है एक कम। चलिए तो ये 4 टाइम्स है तो इसका आंसर क्या होगा, रिपीट एक कम करेंगे तो 4, 3 टाइम्स होगा, 3 सिंगल होगा, 5, 3 टाइम्स होगा और 6 सिंगल होगा। तो आंसर इज व्हाट, 4, 4, 3, 5, 5, 6। समझ में आया, यानी जितने टाइम्स 6 है उसके लिए टेक्निक यूज कीजिए 4, 3, 5, 6। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, बताइए फटाफट 666 क्या होगा, 666 का डू हरी अप, टाइमिंग आपको सिर्फ 2 सेकेंड। हम क्वेश्चन बोलते हैं आप जवाब देते हैं, ये 2 सेकेंड होता है। चलिए आपने क्या किया, इसको रिपीट करेंगे तो 4, 4 क्योंकि 3 है तो एक कम होगा, इसके बाद 3, फिर ये रिपीट होगा एक कम तो 5, 5 और ये 6, दिस इज आंसर। चलिए ये 4, 3, 5, 6 क्या है, आई होप आपको पता चल गया होगा क्या है, गुड, 66 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है ये, 66 का स्क्वायर। इसके साथ जब ये 66 का स्क्वायर है ये समझ में आ गया, 7 और 8 सेम वही कीजिए, कॉमा लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। अभी वो टाइम लगेगा, हमने आपको बोला है कि मल्टीप्लाई जब पढ़ाएंगे तो वहाँ टाइम कम करेंगे, अभी वो आपका समय अधिक ले लेगा, उस वक्त आपको 4 से 5 सेकेंड में हो जाएगा। 7 का जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, 6, 7, 7, 7 इसको स्क्वायर करने के लिए क्या बोला था मैंने, 7 का ब्रैकेट में ले लीजिए स्क्वायर, इसके बाद 111 का स्क्वायर करिए, ये आंसर हो जाएगा। 8 में भी वही कीजिएगा, 8 का स्क्वायर और 111 का स्क्वायर, दिस इज आंसर। आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने में आपका टाइम लगेगा, वो टाइम अभी हम यहाँ कम नहीं कर सकते, वो टाइम हम मल्टीप्लाई टॉपिक पढ़ाएंगे वहाँ पर कम करेंगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। आपने देखा कि 7, 8 के स्क्वायर किस तरह, 7 रिपीट करता है, 8 करता है रिपीट, तो कैसे निकालते हैं। अब हमारा बचा है 9। 9 चाहे कितना भी क्यों ना हो
उसके लिए टेक्निक यूज कीजिए 9801। क्या टेक्निक है 9801? इसे क्या करना है, सिम वही कीजिए जो आपने 3-6 के साथ किया है, यानी 9 को हम रिपीट करेंगे। रिपीट कितना करेंगे, जितने टाइम्स 3 है उससे कम। 8 को एज इट इज सिंगल लिखेंगे, अगेन 0 को रिपीट करेंगे जितने टाइम्स 9 है उससे कम, और 1 को सिंगल लिखेंगे। आई होप इस पे ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है मुझे आपको, सेम ट्रिक रिपीट हो रहा है, बस ओनली डिजिट चेंज हो रहा है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, 999 का, यानी 9 को रिपीट करना है एक कम, यानी 99 होगा। इसके बाद 8 एजिटी लिखेंगे क्योंकि सिंगल बोल रहे हैं, 0 रिपीट होगा एक कम, तो ये 3 है तो 2 रिपीट होगा टोटल टर्म्स, और 1 को एजिटी लिखेंगे। तो आंसर विच वॉट 998001। आई होप ये समझ में आया होगा। आप एक क्वेश्चन कीजिए फर्स्ट 2 सेकेंड में, रेडी हैं आप? चलिए बताइए 5 times 9, क्या बात है 5 times 9। तो हमें क्या करना है, 5 times है तो रिपीट कितना होगा, 4 times, तो 9 9 9, अगेन 4 times 9 बोलेंगे हम इसको। 8 एजिटिव होगा, 0 4 times होगा क्योंकि 5 times क्वेश्चन में है, और 1 एजिटिव होगा। तो आंसर इज व्हाट, 4 times 9 8, 4 times 0 1। एक लास्ट फर्स्ट डू हरी अप, 99 का स्क्वायर, गुड, 99 स्क्वायर का क्या होगा, 9 8 0 1। समझ में आ गया? चलिए मुझे उम्मीद है कि स्क्वायर में हर तरह का समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे स्क्वायर का, अगर कंटिन्यू कोई 2 डिजिट आ गया जो हमने अभी ट्रिक में फॉलो नहीं किया है, 3 डिजिट आ गया या 4 डिजिट आ गया, 4 डिजिट से ज़्यादा नहीं आएगा, 2 डिजिट जैसे हमने देखा 78 जो बीच का पार्ट आ गया, इसके बाद 3 डिजिट जैसे मान लिया जाए 5 6 7, 4 डिजिट मान लिया जाए 8 9 2 1। आप यहां देख रहे होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी तक आपको नहीं कराया है, तो आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रैंडमली कोई भी डिजिट 2 डिजिट का ले लिया जाए, 3 डिजिट का ले लिया या 4 डिजिट का ले लिया जाए, जहां पे हमें टेक्निक ये ट्रिक भूल गए तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।